₹1,250 मिल रहा है तो किसानों के खाते में भी ₹1,000 तो भैया जा ही रहा है हर महीना। 6,000 प्रधानमंत्री जी देते, 6 महीने जोड़ दिए, पहले 2 PM के आते, फिर 2 CM के आते, फिर 2 PM के आते, फिर 2 CM के आते, फिर 2 PM के आते हैं, फिर 2 CM के आते हैं, ₹1,000 महीना मतलब 12,000। अब लाइन नहीं पे और किसान भाई के पैसा जोड़ लो, आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, परिवार की हालत सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी। मैं पूछ रहा हूं सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी। कांग्रेस ने ऐसी योजनाएं चलाई, देखो परिवार की सरकार का मतलब निःशुल्क राशन। परिवार को एक बात और सुन लो भैया जलानिया, हमें चाहिए बुनियादी जरूरतें पूरी करने के साथ, और इसलिए जिनके मकान अभी रह गए कच्चे मकान में रह रहे हैं, आदिवासी हो गैर आदिवासी गरीब हो कोई भी हो भैया, कहीं के मकान नहीं बन पाए। फगन सिंह जी भी बैठे पीएम आवास योजना में रह गए, तो हमने बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, आवास योजना, उसके आवेदन भरे जा रहे हैं। और अब मैं साफ कह रहा हूं कि जितने गरीब भाई बहन रह गए हैं सबके पक्का मकान बनाने के पैसा दिए जाएंगे सीएम लाडली बहना आवास योजना। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलो सबके पक्के मकान बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। ये गरीबों की नहीं जरूरी, और जरूरी क्यों हो ये भी सुन ले। कांग्रेस के कहते पैसा डाले तो आप चुपके से डाले का रखा, जलने वाले जला करे, तुमने तो सब बंद कर दिया था। ये कांग्रेस जब आई थी कांग्रेस और कमलनाथ मेरी संपत्ति योजना बंद कर दी, भेगा भाजिया सहरिया के खाते में पैसा डालता था वो भी बंद कर दिए, बेटियों की शादी करवाता था तो बेटियों की शादी के पैसा भी नहीं दिए, शादी करवा के बेटियों को भी छला, तीर्थ यात्रा बंद कर दी, कितनी योजनाएं बंद कर दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान वापस भेजिए थे, लेकिन हम कह रहे हैं जिनके पास कच्चे मकान है उनको पक्का बनाने के लिए भी पैसा दिया जाएगा, किसी भी हालत में मैं नहीं छोड़ूंगा। ये न्याय है, आज बताओ मेरे भाइयों, इस धरती पे भगवान ने भेजा है तो धरती के साधनों को तुम्हारा हक है कि नहीं? अरे आज बोल के बताओ हक कि नहीं? धनु पन्ना लल्लू कल्ला की भी ये जमीन है, ये धरती है, खेत है, खदान है, दुकान है, मकान है, लेकिन नहीं है सबके पास। तो जिनके पास नहीं है उनको सुविधाएं देना ये सरकार का कर्तव्य है, सरकार का फर्ज है। और इसलिए जमीन मकान, अभी फगन सिंह जी आपने कहा सिंचाई की योजना बन रही है, डूब क्षेत्र यहाँ के किसानों ने कुर्बानी दी है, हमारे खेत डूबे, हमारे मकान डूबे, हमारी जमीन डूबी, लेकिन बदले में हमारे खेतों को पानी नहीं मिला। अभी 3 योजना फगन सिंह जी बता रहे थे वो स्वीकृत है, लेकिन मेरा संकल्प है डूब क्षेत्र के हर गांव में पानी पहुंचाएंगे, डूब क्षेत्र के हर गांव में पानी। और पानी कैसे पहुंचाएंगे? नहर से नहीं पहुंचेगा, पाइपलाइन बिठाएंगे, शक्तिशाली मोटर लगाएंगे, और मोटर चला के नर्मदा मैया से कहेंगे मैया पाइप में चली चलो, चली चलो खेतों के, चली चलो, चली चलो, मैया आ जाएगी। नहर तो ऊंचे नीचे खेत में जा ही नहीं सकती। और इसलिए भगत सिंह जी जो आपने बात कही है, मैं आपको वचन देता हूं हम उसको पूरा करेंगे, ताकि किसान पानी से वंचित ना रह पाए। लोगों की जिंदगी बदलना यह हमारी जिंदगी का मिशन है, और इसलिए जितने मेरे बेटा बेटी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उन सबके लिए मेरा कहना है। अभी आई थी प्रियंका गांधी, वो कह रही थी शिवराज मामा तो आदिवासियों को चप्पल पहनाता है, बहनों को भाई को जूते पहनाता है। हाँ पहनाऊंगा, क्योंकि इनके पांव में कांटा करता है, वो कांटा इनके पांव में नहीं मेरे सीने में भी चुभता है, इसलिए हमने जूते पहनाए, हमने चप्पल पहनाई, हमने पानी की कुप्पी दी, और सुन ले ₹200 छाता के लिए भी दी। अगर मैं गरीब को उसका हक दे रहा हूँ तो बताओ अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ? अरे अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ? और इसलिए ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रहेगी। कांग्रेस ने कभी पैसा लागू नहीं किया, किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज मुझे गर्व यह कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अपने उम्मीदवार बनाए हैं
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। फग्गन सिंह जी को यहां बनाया, आपने निवास में जो कहा हमने करने का प्रयास किया है, और निवास के साथ अब बीजा गांधी क्षेत्र को भी नहीं छोड़ेंगे। विकास का कोई काम ऐसा जो फग्गन सिंह कुलस्ते और ये टीम कहेगी शेष नहीं बचेगा। और इसलिए मैं आप सबसे आज इस क्षेत्र में निवेदन करने आया हूं, दो गांव आपने डूब क्षेत्र के बताए पूरी तरह से विस्थापित करके उनको भी न्याय दिया जाएगा, उनको भी न्याय दिया जाएगा। मेरे बहनों भाई, मेरी अपील केवल यही है कि कांग्रेस के छलावे में मत आइए, ये छलिया है। इनने कभी रानी दुर्गावती जी का सम्मान नहीं किया। मुझे कहते हुए गर्व है 100 करोड़ रुपए का रानी दुर्गावती का स्मारक अगर जबलपुर में कोई बना रहे तो हम बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही। रंगनाथ साहब जी, शंकर साहब जी, उनके स्मारक मंडला में मेडिकल कॉलेज खोलने से लेकर विकास की एक नई गाथा लिखी है तो भारतीय जनता पार्टी ने लिखी है। और इसलिए आज मैं आपसे अपील करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े नेता फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास विधानसभा क्षेत्र से उतारा है। फग्गन सिंह मतलब विकास का दूसरा नाम होगा, और ये जो काम बताएंगे मध्य प्रदेश की सरकार पूरी ताकत से करेगी। और इसमें सब बहनों भाइयों मेरी प्रार्थना है कि फग्गन सिंह कुलस्ते जी को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल को आशीर्वाद दीजिए। विकास के जितने काम हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, हमने ये भी तय किया है हर परिवार में एक रोजगार दिया जाएगा, हर परिवार में एक रोजगार का अवसर। ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। कोई भी शासकीय नौकरी हो, स्वरोजगार की योजना हो, मुख्यमंत्री सीखो कमा हो, एक सदस्य को रोजगार देंगे। आज तो मैं आपसे, क्योंकि समय ऐसा है कि मुझे भी निकलना है, शाम हो गई है तो देवी जी की पूजा भी आप सबको करना है। इसलिए बहनों और भाइयों, आप सबसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताएं, आप सबको मुझ पर विश्वास है कि नहीं है? जोर से बताएं, बहने भी विश्वास है कि नहीं? मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, भाई हूं, मामा हूं, बताओ मुख्यमंत्री लगता हूं कि भाई लगता हूं? और इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं, आइए हम सब मिलकर संकल्प करें कि इस क्षेत्र से, बीजा गांधी क्षेत्र से, इस विधानसभा निवास विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, फग्गन सिंह जी को ऐसा बताएंगे कि सारे रिकॉर्ड टूट जाए, और मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, मामा का साथ देंगे। बोले सत्यार अपने अपनी जगह खड़े हो जाए, और आज खड़े होकर संकल्प लेंगे कि हम फग्गन सिंह जी को रिकॉर्ड बहुमत से जिताएंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जनता जनार्दन का। हमारे जननायक आदरणीय शिवराज जी ने आप सभी को संबोधित किया, और जैसा कि उन्होंने कहा